हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वाले वीडियो पर क्या बवाल, डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में अंतर इस बंदे ने बता दिया। ये वीडियो देखने के बाद गोलगप्पे खाने का मन तो नहीं करेगा और पिकऑफ देने करेगी बात, ये जुगाड़ है या कुछ और है। ध्रुव राठी देश से बाहर रहते हैं लेकिन देश के सोशल मीडिया पर उनका नाम आए दिन चलता रहता है। सोशलिस्ट के थंब में उनके आने की आवृत्ति मेरे आने से ज़्यादा भी नजर आ सकती है। जिक्र को पैरामीटर माने तो सोशल लिस्ट पर मनोज मुंतशिर और NR नारायण मूर्ति के बाद उन्हीं का नंबर आएगा, लेकिन थंब पर फोटो लगाने की आसानी के लालच के अलावा उनका जिक्र सोशल मीडिया पर बहुत आयत में रहा। ध्रुव राठी शब्द ट्विटर पर 85,000 बार चला। हैशटैग डिक्टेटरशिप शब्द भी ट्रेंड हुआ। हैशटैग डिक्टेटरशिप क्यों चला, क्योंकि ध्रुव राठी के 4 दिन पहले आए नए वीडियो का टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप, चंडीगढ़ इलेक्शंस, फार्मर्स प्रोटेस्ट और ध्रुव राठी। इस वीडियो में ध्रुव राठी भारत में डेमोक्रेसी की हालत के बारे में बात कर रहे थे, चंडीगढ़ इलेक्शन में जो हुआ उसकी बात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि क्या भारत वन नेशन वन पार्टी आइडियोलॉजी की राह पे जा रहा है। वीडियो में PM मोदी के सपोर्टर्स की बात हुई, दावे हुए कि मीडिया सप्रेशन, MLA हॉर्स ट्रेडिंग और इन्फोर्समेंट एजेंसी जो होती हैं उनके दुरुपयोग पर कैसे कुछ लोग ध्यान तक नहीं दे रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग ध्रुव राठी के वीडियो को आंखें खोलने वाला बता रहे हैं, वहीं कुछ इसको एंटी मोदी गवर्नमेंट एजेंडा बता रहे हैं। समर्थन में लोग कहते मिले कि ध्रुव राठी का गांव भारत में है, उस गांव में उसकी दादा लाही जमीन है, उस गांव में उसके माँ बाप चाचा ताऊ दादा सब हैं और वो उन सब की आवाज़ बनकर बोल रहा है। उनका क्या करें जो सरकार जी से सिर्फ ये पूछते हैं कि आम काट कर खाते हो या चूस कर। फेसबुक पर खुद को कांग्रेस समर्थक दिखाने वाले अकाउंट से कहा गया कि राहुल गांधी की दोनों यात्राएं इन्हीं मुद्दों पर हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी से जो बोलना शुरू किया आज तक बोल रहे हैं और राहुल गांधी की हर बात साबित हो चुकी है। कुछ हुआ आगे कहा कि ध्रुव का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ आवाम तक पहुँचेगा, लोग देखेंगे सुनेंगे और जैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद व्हाट्सएप खोलेंगे और उसमें मंदिर, UCCCA या फिर किसी मुसलमान के पाकिस्तानी होने का मैसेज पढ़ेंगे तो ध्रुव के वीडियो का असर काफूर हो जाएगा। कुछ को वीडियो के डिलीट होने का डर सता रहा था। कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे में ध्रुव राठी का ये वीडियो इतना वायरल हो जाएगा शायद खुद ध्रुव राठी ने भी नहीं सोचा होगा। ये वीडियो की व्यूज 4 मिलियन पार कर चुकी है मात्र 24 घंटे में। ये वीडियो देश की मौजूदा हालत और देश में चल रही गंदी राजनीति की हकीकत को बयान कर रही है। सरकार वीडियो को हटा दे, इससे पहले जाके आप यूट्यूब पर पूरी वीडियो देख लो। आप सपोर्टर्स ने लिखा कि सोशल मीडिया पर भाजपा सबसे मजबूत मानी जाती है मगर अकेले ध्रुव राठी ने उनको ऐसा हिलाया कि सब सदमे में है। गोदी मीडिया की सारी मेहनत पे पानी डाल रहा है। ये 3 दिन में वीडियो को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख लिया तो ये दर्द होना तो बनता है। इसके बदले में कहा गया कि ये वही ध्रुव राठी है ना जिसकी वीडियो शेयर करने पर आपके चहेते केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर माफ़ी मांग ली है। तो हिल कौन गया, आप या BJP? एक यूजर ने ध्रुव राठी ने उन्हें ब्लॉक कर दिया ऐसा दावा करते हुए स्क्रीनशॉट डाला। मैंने उनसे बस इतना पूछा था कि ऐसा उन्हें लिखा कि मैंने उनसे बस इतना पूछा था कि क्या कांग्रेस और आपने उन्हें वो पैसा दे दिया जिसका वादा किया था, क्योंकि दोनों के पास पैसे की कमी है, और अगर उन्होंने पैसे दिए तो कितने पैसे दिए। एक यूजर ने ध्रुव राठी की मंशा पर सवाल उठाया, कांग्रेस से पैसे लेने का आरोप लगाते हुए लिखा कि जर्मनी का एक आदमी ध्रुव राठी क्यों मोदी जी के खिलाफ प्रचार कर रहा है, उनके शासन को डिक्टेटरशिप कह रहा है। ठीक है, जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, वो अपने देश की देखभाल कर रहा है जो भारत नहीं है बल्कि जर्मनी है और उसे कांग्रेस से पैसा मिला है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जैसी बातें भी जोड़ी गई और लिखा गया कि अब ध्रुव राठी के वीडियो क्लिप के बाद विपक्षी दलों के 20 से ज़्यादा विधायक BJP में शामिल होंगे, ध्रुव के कारण कांग्रेस को बड़ा झटका। यूट्यूब शॉर्ट्स में इन दिनों आपने एक टीचर को देखा होगा, नैया पार एजुकेशन नाम के चैनल से आने वाले वीडियोज में टीचर अरविंद जो है, मतलब टीचर का नाम है अरविंद, कैरिमिना, TMC स्टैन और अलविश यादव जैसे इन्फ्लुएंसर्स को इस बात के लिए ग्रिल करते दिखे थे कि युवा पीढ़ी को क्या ही इन्फ्लुएंस करेंगे। उन्हीं अरविंद का वीडियो लगा के ट्विटर पे लिखा गया कि ध्रुव राठी की वीडियो में आधा सच बताया गया है, पूरा सच देखना हो तो ये वीडियो जरूर देखें। टीचर अरविंद ने भाजपा पार्टी की पोल खोल कर रख दी, ये वीडियो ध्रुव राठी की वीडियो से ज़्यादा अच्छी है। लोगों ने जहाँ वीडियो में जो दिखाया गया उस पर बात की, वहीं कुछ लोगों ने उस बारे में बात की जो वीडियो में नहीं था। लिखा गया कि ध्रुव राठी ने ऐसा क्या कहा है जो हम 10 सालों में अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं। जिस डेमोक्रेसी को कुचलने की बात कर रहे हैं उसमें मुसलमानों के दमन पर 29 सेकंड नहीं बोल पाए, जबकि सबसे ज़्यादा अनजस्टिस हमने झेला है और झेल रहे हैं। ठीक है, आप जो बोले वो काबिले तारीफ़ है लेकिन इसमें गुणगान करने जैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। जो आप बता रहे हैं उसे शिद्दत से हम झेल रहे हैं, हमारे लिए आप हीरो नहीं हैं, आप सही बोल ले गए उसके लिए मुबारकबाद, लेकिन 29 मिनट में 29 सेकंड भी देश के एक बड़े तबके का जिक्र ना करते हुए इग्नोर कर गए, ये देखकर अफसोस हुआ। कुछ नहीं तो वर्षिप एक्ट का जिक्र तो कर सकते थे। बहरहाल गो अहेड, कीप इट अप।
बहुत हैवी बातें हो गई। अब सोशल मीडिया के नियमानुसार कोई हल्की सी बात करके देश के हाल को किनारे छोड़ा जाए, तो आपको अब तक ये तो पता चल ही चुका होगा कि डॉक्टर दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं डिग्री वाले डॉक्टर और दूसरे होते हैं झोला नहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर। ना पता हो तो ये कालजी क्लिप देखिए पहले। क्या काम करते हैं आप आसान? हम प्रैक्टिशनर है। हाँ, एलोपैथ का प्रैक्टिशनर। एलोपैथ के प्रैक्टिशनर जी। डॉक्टर हैं आप जी? कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। मतलब दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ। प्रैक्टिशनर हूँ। अब शब्द तो पता चल गए, लेकिन जब कोई प्रैक्टिशनर भी डॉक्टर खुद को बताए तो आप अंतर कैसे करेंगे? ये बता रहे हैं आशुतोष कुमार तिवारी। डॉक्टर के बारे में सही जानकारी देते हुए दोनों को पहचानने का तरीका बताया कि 6,06,000 लोग अब तक इसको देख चुके हैं, इनके बताए नुस्खे से डॉक्टर पहचान चुके हैं, आप भी पहचानिए। और थैंक यू आशुतोष भाई, आप जनता का बहुत भला कर रहे हैं। देखिए वीडियो। गुवंडा में एक खास बात यह है कि जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है उनके आगे डॉक्टर लागत है, और जो झोला छाप डॉक्टर है उनके पीछे डॉक्टर लागत है। पहचान जैसे पिंटू डॉक्टर, कल्लू डॉक्टर, तुलसी डॉक्टर, रहमान डॉक्टर, ये सब कम पढ़ा लिखा डॉक्टर हैं, तो इनके पीछे डॉक्टर लागत है। डॉक्टर आगे वाला घसुक के पीछे चला जाता है। अब पढ़ा लिखा जैसे डॉक्टर वैन पांडे, डॉक्टर आर एन पांडे, डॉक्टर शेख जाफर, डॉक्टर आनंद पांडे, ये सब पढ़ा लिखा डॉक्टर हैं, तो उनके आगे डॉक्टर लागत है। खूबसूरती अगर देखने वाले की आंखों में होती है तो बदसूरती का भी सेम ही सीन है। सोच गंदी हो, रेफरेंसेज गंदे हों, तो मन की शुद्धि के लिए किए गए प्रयासों के समय खाए जाने वाले नमक को भी किसी पक्षी से जोड़कर बहुत गलत अर्थ सोशल मीडिया पर निकाल ही रहे हैं लोग। नज़र ख़राब होते इंसान हर चीज़ में वैसे ही खराबी खोजता है, जैसे हाई स्कूल के लड़के हर मोड़ हर गैप पर सेक्सुअल रेफरेंसेज खोज लेते हैं, ऐसे ही जलजीरा के पानी, गोलगप्पे के पानी की छटा एकदम ही गलत जगह पर देखी एक यूजर ने। देखिए, क्योंकि इसको पूरे 6 करोड़ से ज़्यादा बार लोग इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं। सोशलिस्ट में अब बाजी पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं एक वीडियो। इसे एरोप्लेन में किया गया जुगाड़ बताया जा रहा है। कैप्शन था, इवन द इंडियन कैरियर इज जुगाड़ी। नज़र आता है प्लेन के शुरुआती हिस्से में ढेर सारे मोटे टेप सा कुछ नज़र आ रहा है। वीडियो का अर्थ ये बताया जा रहा है कि मोटे टेप सा कुछ लगाकर काम चलाया जा रहा है, चेपी लगाई गई है। देखने में रोचक चीज़ें, देखिए और बताइए असल में जुगाड़ है, चेपी है या कुछ और ही है जो एरोप्लेन में यूज होता हो और हमको ना पता हो। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, टाटा।